तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि SBI हमारा जो स्टेट बैंक है वो एक मुहिम चला रहा है कि सेव पेपर सेव ट्रीज। इसका मतलब ये कि आप जब भी कोई भी मतलब जो है अपने SBI बैंक जाते हो और वहां से कोई भी विड्रॉल करते हो और यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी डिपॉजिट फॉर्म करते हो, तो वो लोग आपसे एक ही बात कहते हैं कि भाई अगर आप ऑनलाइन तरीके से करना चाहोगे तो हमारे लिए बहुत सुविधा की बात है। यानी कह सकते हो कि SBI बैंक जो है वो आपको बहुत जल्दी फॉर्म नहीं देता है, थोड़ा एनाकानी करने लगा है वो। इसलिए उसका कहने का मतलब ये है कि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो काफी ज्यादा ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, आपको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा विड्रॉल और कह सकते हैं डिपॉजिट फॉर्म जो भरे जाते हैं वो SBI बैंक के भरे जाते हैं। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर जो SBI बैंक है वो पेपरलेस जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मेरे पास मान लीजिए ऑनलाइन निकालने का या फिर कह सकते हैं ऑनलाइन डिपॉजिट करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे दोस्त ऑनलाइन निकालने का तो आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आपका ATM ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और आपका जो डिपॉजिट वाला सिस्टम यानी कह सकते हो अगर आपको जमा करना है मेरे दोस्त, तो अगर आप 50,000 से कम जमा करना चाहते हो अपने अकाउंट में SBI बैंक में, तो यहाँ पर आपको आपका ग्रीन रेमिट कार्ड बनवाना बहुत जरूरी हो गया, यानी कह सकते हो कंपलसरी हो गया मेरे दोस्त। अगर आप जब भी बैंक जाओगे और वहाँ पर अगर कोई भी मतलब जो है आपसे ये अधिकतर पूछा जा सकता है कि भाई क्या आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, अगर नहीं है तो ये पकड़ो फॉर्म, इसको भरो, तुरंत अप्लाई करो ग्रीन कार्ड के लिए, आपका 10 मिनट के अंदर ग्रीन कार्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है कि आखिरकार यार ग्रीन कार्ड का फॉर्म हमको जो मिलेगा कैसे भरेंगे, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, और हमारा जो ग्रीन कार्ड है उसको कैसे प्रॉपर वे में कह सकते पैसा निकाल के आएगा, और हमको नहीं पता इसके बारे में कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर वे में कैसे अप्लाई करेंगे और कितने समय में प्रोसेस हो जाएगी। तो मेरे दोस्त मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो ग्रीन कार्ड का जो फॉर्म मिलने वाला है यानी कह सकते हो कैसे भरना है, कैसे आपको सबमिट करना है प्रॉपर वे में, आज की वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आप अपने SBI बैंक जाओगे तो आपको वहां से ये फॉर्म मिलने वाला है, इस फॉर्म को कैसे भरना है तब जाके आप अपने SBI ग्रीन रेमिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए आपका ये फॉर्म है, आप इसको अच्छे से फिलअप करिएगा तभी जाके आपका जो ग्रीन कार्ड है वो आपको हाल के हाल मिल जाएगा। यानी कह सकते हो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ये फॉर्म प्रॉपर वे में फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको जमा कर देना है, और जमा करने के बाद आपको कुछ ही मिनटों में आपका ग्रीन कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो सिंपल है मेरे दोस्त, आपको करना क्या, कैसे भरना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा मेरे दोस्त कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे यार, क्योंकि यार मैं आप समझ पा रहे हो इतनी मुश्किल से आप सभी के लिए फॉर्म लेकर आता हूं, ताकि आप लोग समझ पाओ कि SBI के जो कर्मचारी हैं वो कभी भी मतलब जो है अलाउ नहीं करते हैं कि आप जो हो इसको प्रॉपर वे में मतलब जो है किसी को फालतू फॉर्म आपको दिए जाएं। तो यार इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार वाकई में मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो यार आपके लिए आपकी वीडियो को लाइक करना बनता है, और सिंपल है मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार आप लोग मुझसे जुड़े रहोगे तो काफ़ी अच्छी वीडियो में इसी तरह की वीडियो आप सभी के साथ लाता रहूंगा, ताकि आपको कोई आगे चल के दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ऊपर की ओर देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे फोटो का सेक्शन, यानी कह सकते हो आपको फोटो का सेक्शन मिल रहा है, आप सिंपल में फोटो अपलोड कर लीजिए। अगर आपके पास फोटो नहीं है, कह सकते देखिए होता क्या यार कभी कभार हम ऐसे बैंक चले जाते हैं और हमको फॉर्म दे दिया जाता है तो हमारे पास फोटो नहीं होती है, तो फोटो नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बगैर फोटो का इसको ऑप्शनल है छोड़ सकते हो। अब ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऊपर वाले का मतलब ये है कि आखिरकार यार हम यहाँ क्या फिलअप करें, यानी कार्ड नंबर दिया गया है तो कार्ड नंबर मतलब कौन सा कार्ड नंबर। तो मेरे दोस्त आपको यहाँ सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कार्ड नंबर आपको तब शुरू होगा तब जाके आपका जो ग्रीन कार्ड बन जाएगा, वही ग्रीन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको भर के दे दिया जाएगा जो आपका फॉर्म वहां पे कह सकते हैं जो आपका ग्रीन कार्ड बना रहा होगा वही यहाँ पे डाल देगा, आपको यहाँ कार्ड नंबर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिटेल कंप्लीट हो गई होगी ऊपर वाली, अब आते हैं मेन। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि यहाँ पे बहुत से लोग गलती ये कर देते हैं कि आखिरकार यार हमको बनवाना तो है लेकिन हम इसमें डिटेल किसकी भरें, यानी कह सकते हो प्रेषक का विवरण का मतलब क्या, नाम, पता, जन्मतिथि, माता पिता का नंबर, मोबाइल नंबर, इसमें हम किसकी डिटेल भरें। यानी कह सकते हो कुछ लोग अपनी भर देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार जिसका अकाउंट है उसी की भरना चाहिए। तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये कोई कन्फर्म नहीं है कि जिसका अकाउंट है उसी की डिटेल भरो, यहाँ पे आप अपनी डिटेल भी भर सकते हो। देखिए कह सकते हैं कि पहली बात तो जो डिपॉजिटर है जो अकाउंट में पैसा डालता है उसकी डिटेल रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका जो मैसेज रहेगा वो उसी नाम से आएगा कि दिस पर्सन डिपॉजिट टू योर अकाउंट इतना मनी जो भी है XYZ, आप समझ सकते हो मेरे दोस्त। तो कह सकते हैं कि आप यहाँ पर वही बंदा अपनी डिटेल भरिए जो कि पैसा बार बार जमा करेगा, यानी कह सकते हो जो जमा करेगा। तो सिंपल में आपको उस पर्सन की डिटेल भर देनी है जो पैसा जमा करेगा, तो सिंपल में उसका नाम लिख देना है, आप खुद भी अपने अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हो तो
कोई दिक्कत नहीं, आप अपना भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं मेरे दोस्त, आपको सोचना नहीं है। यहाँ पे आपको आपका नाम लिख देना है, यहाँ पे आपको पता लिख देना है, जन्मतिथि लिख देना है, माता पिता का नाम लिख देना है, और आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, वही मोबाइल नंबर लिखना है मेरे दोस्त जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा अकाउंट दूसरे बैंक में है, तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको वही अकाउंट भरना है जो कि आपके बैंक अकाउंट में है। नहीं कह सकते हो कि कोई भी बैंक अकाउंट में लगा हो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बशर्ते मतलब ये है कि आपका वो बैंक अकाउंट नंबर है वो चालू होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो सिंपली हमें क्या करना है मेरे दोस्त, आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है जो कि आपका ऑन हो। मैंने बैंक अकाउंट इसलिए कहा था क्योंकि अधिकतर जो हमारे नंबर होते हैं मेरे दोस्त जो बैंक अकाउंट में लगे होते हैं वो अधिकतर चालू रहते हैं, इसलिए मैं आप बोल रहा था कि आपको वही नंबर भरना है जो कि आपके बैंक अकाउंट में लगा हो। कि ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि आपका हमेशा चालू रहता हो। उसके बाद क्या करना है, हिताधिकारी का विवरण। देखिए अब ये थोड़ा सा आपको सोचना है, यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार इसमें हम क्या भर दें। तो देखिए इसमें होता क्या है, हिताधिकारी के विवरण का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अब आपको उस खाते की डिटेल भरना है जिस खाते के लिए आप जो है बनवाना चाहते हो, जिस खाते के लिए आप बनवाना चाहते हो अपना ग्रीन कार्ड, यानी कह सकते हो कि आप जिस भी अकाउंट के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल भर देनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक के साथ खाताधारक का नाम, यानी कह सकते हो कि आपको उसका नाम डाल देना जो कि उसकी पासबुक में पड़ा हुआ है, और बचत बैंक खाता संख्या, यानी कह सकते हो कि उसका अकाउंट नंबर डाल देना भाई जिसके लिए आप बनवाना चाहते हो ग्रीन कार्ड, और यहाँ पे आपको खाता का नाम जहाँ खाता रखा गया है, यानी कह सकते हो कि शाखा का नाम डाल दीजिए यहाँ पे। सिंपल है मेरे दोस्त, जहाँ आपकी शाखा है, शाखा मतलब कह सकते हो लोकल एरिया की जो शाखा होती है आपको वहीं डाल देनी है, कौन सी एरिया में, कौन सी मोहल्ले में, कौन से कस्बे में आपकी जो है शाखा है, आप यहाँ पे उसके पूरा डिटेल डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हिताधिकारी का मोबाइल नंबर, यानी कह सकते हो कि अब आपको जो पासबुक की आप डिटेल भर रहे हो उस पासबुक में, उस अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है ये अनिवार्य है यहाँ पे आपको भरना। तो आपको सिंपल में कह सकते हैं मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे वही भरना है, वही मोबाइल नंबर भरना है जो कि उसका बैंक अकाउंट में लगा हो। तो सिंपल है मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा, यानी कह सकते हो जो हमारी डिटेल है ये वाली डिटेल जो है वो उसके लिए डिटेल है जिसके लिए हम बनवाना चाहते हैं ग्रीन रेमिट कार्ड। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। और यहाँ पे जो ऊपर वाली है, ऊपर वाली डिटेल किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, और उस पर्सन की भी हो सकती है जो आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा। तो सिंपल है मेरे दोस्त, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, अब नीचे यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर में, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सिंपल में आपको आपका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। अब आधार कार्ड नंबर किसका डलेगा भाई, जिसका अकाउंट है अकाउंट के लिए बनवा रहे हैं, या फिर जो मतलब जो है ऊपर वाले का जो प्रेषक है उसके लिए भरना है। तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यानी कह सकते हो प्रेषक का विवरण वाला जो डिटेल आपने भरा हुआ है आप वही अपना आधार कार्ड यहाँ पे डाल दीजिए। सिंपल है मैं कह सकते हो कि मेरे दोस्त आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे नंबर डाल देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपना भी डाल सकते हो और ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, हिताधिकारी भी डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन आप अपना डालिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिंपल है मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे आता है आपका स्थान और दिनांक। अब यहाँ पे स्थान का मतलब क्या है भाई, आपको आपका एरिया डाल देना है, आपका एड्रेस डाल देना है, दिनांक डाल देना, उस दिन की आपको तारीख डाल देनी है कि आखिरकार मेरी कौन सी तारीख को मैं अप्लाई कर रहा हूँ ग्रीन रेमिट कार्ड के लिए। तो मेरे दोस्त आपको सिंपल में समझ में आ रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से हमको अपना भरना है। यहाँ पे आपका ऊपर का जितना भी सेक्शन है आप पूरी तरीके से यहाँ पे कर चुके हो मेरे दोस्त, फिलअप कर चुके हो, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब आते हैं नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मेरे दोस्त आप जैसे आओगे तो यहाँ पे देखिए धन प्रेषक के हस्ताक्षर, यानी कह सकते हो कि जो बंदा आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा, यानी जिस भी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा, और कह सकते हैं कि आपका जो, यानी कह सकते हैं कि जो रेमिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, जो आपका ग्रीन कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर रहा है, वो अपने साइन यहाँ पे कर सकता है, हस्ताक्षर अपने कर सकता है, क्योंकि वही पैसा क्या है जमा करेगा। तो सिंपल मैं आपको भाई उसी के हस्ताक्षर करने मेरे दोस्त जो कि आपके पैसा जमा करेगा, आप खुद हो सकते हो, कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है, किसी के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपको आपके साइन कर देने हैं बहुत आसान तरीके से। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार इस फॉर्म को कैसे भरना है, बहुत आसान तरीके से मैं बताया हूँ मेरे दोस्त, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।